बताऊंगा आप लोगों को, अगर जो आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ओनली 2 मिनट का काम है, सारे काम अपने घर से भी कर सकते हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी से भी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब सारे के सारे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो भाई संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता किया हुआ बस अभी, सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारा चीज़ें करना है अभी, क्योंकि संडे वाला दिन है तो भाई आपको पता ही है बहुत बिजी रहता है। तो नाश्ता करने के बाद में दिल किया आज कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो आज की वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लोगों के लिए जो आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हैं। लेते हैं थोड़ा पीने का दिल कर रहा था यार, ऐसे पता नहीं मॉर्निंग में, आज 9:30 हो रहे हैं अभी मॉर्निंग के। तो भाई सीन क्या है, अगर जो आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो, जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हो, तो हर एक बंदा बोलता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं। अभी तो 2023 चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले बनाया था, अभी भी एक वीडियो बना देता हूँ आप लोग। तो सबसे पहले अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब हमारा नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देसी बंदा हूँ या हमेशा देसी लैंग्वेज को फॉलो करता हूँ, हमेशा जितना मुझसे होता है आप लोगों को प्यार तो देते ही हो, मुझे पता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिया करो, और जो भी आपका इंक्वायरी हो, कमेंट हो, वो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना। और भाई क्या भाई दुबई में आने के लिए हम लोगों को विजिट वीज़ा, जिसको टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा बोलते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा आज मैं, क्योंकि मेरे को सच बताऊं मैं कपड़े वाशिंग मशीन में डाल के आया अभी, ठीक है। तो मुझे निकालने हैं और आलू रख के आया हूं मैं उबलने के लिए, आलू रखे हूँ उबलने के लिए, आलू पनीर बनाऊंगा और वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना, उबल जाएंगे। तो भाई सीन क्या है, अगर जो आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए कंपलसरी, विदाउट पासपोर्ट के आप अपना अप्लाई नहीं कर सकते विजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बंदे बोलते हैं एज, यार चलो इसमें आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही बताऊंगा। आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास में ओरिजिनल, ठीक है ना। अगर जो आप खुद से अप्लाई करते हो, मतलब किसी एजेंट को पासपोर्ट नहीं देना, आपने ओनली उसमें स्कैन कॉपी अपना अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। अगर जो आप अपने होम कंट्री से, मैं एक अपने लैपटॉप पे बता दूंगा कि आप 2 मिनट में कैसे अपना जो वीज़ा है कैसे खुद अप्लाई कर सकते हो किसी एजेंट के थ्रू, मैं आज मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। पासपोर्ट हो गया, ठीक है ना, ओरिजिनल वाला किसी एजेंट को नहीं देना, कॉपी दे सकते हैं आप उसको, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट और बैक की, जहाँ पे आपका फ़ोटो और डिटेल वगैरह लिखी होती है फ्रंट और बैक की, जैसे इंडियन पासपोर्ट होल्डर को पता होता है, राइट। आपका पासपोर्ट कॉपी मतलब आपका पासपोर्ट, सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर दो, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वो भी ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो वो भी स्कैन ही लगता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके, एक आपका पासपोर्ट कॉपी हो गया, मतलब पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, दो चीज़ें आपकी कंपलसरी हैं। फ्रेंड आ रहा है इंडिया से दुबई, तो उसका वीज़ा मैंने कल अप्लाई करवाया है, ठीक है ना, अपने आप ही मैंने किया है उसका वीज़ा अप्लाई, और 2 महीने का मैंने उसका विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, घूमने के लिए आ रहा है, राइट। दिल करेगा तो जॉब करेगा, नहीं करेगा तो चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है, तो इसमें आपका कंपलसरी 2 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आपका पासपोर्ट कॉपी ओरिजिनल, अगर जो आप किसी से करवाते हैं, एग्जांपल दुबई में सेम यही 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब भी किसी ट्रैवल एजेंसी से आप लोग अप्लाई करवाते हो, ठीक है ना। होटल बुकिंग आपने अगर जो आप आते हो, आपको वो सारे एयरपोर्ट पे चेक करते हैं, और बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई पैसे पैसे यार, देखो दिल्ली एयरपोर्ट वाले कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, सॉरी, क्योंकि कभी आपके पास पैसे होने चाहिए, सही है ना, जब भी आप ट्रैवल करते हो इंडिया से दुबई के लिए, लेकिन कंपलसरी नहीं होता कि भाई आपको पूछें, किसी से क्वेश्चन करते हैं किसी से नहीं करते, राइट। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको ओनली वीज़ा चाहिए। यार मेरी आंखों में क्या हो गया, नींद आ रही है मॉर्निंग में। अगर जो आपको अपना वीज़ा ही चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही वीज़ा अप्लाई करवाया अपने फ्रेंड का, तो ओनली पासपोर्ट कॉपी लिया मैंने उसका फ्रंट का और बैक का, और एक फ़ोटो लिया जो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी से करवाया है मैंने, ठीक है ना। तो यही डॉक्यूमेंट्स लगता है, और भाई पैसे जो मैंने दिए हैं उसको, मतलब अलग अलग होता है यार, देखो सबका अपना अपना होता है। तो मैं एक महीने का तो आप किसी से भी करवाओ, तो ट्रैवल एजेंसी वाला के सबके अपने अपने पैसे होते हैं। तो उसने ट्रैवल एजेंसी वाले ने मेरे से कल 2 महीने के 630 दरहम लिए, ठीक है ना। मतलब अगर जो कोई इससे ज़्यादा भी लेता है, कोई कम भी लेता है, तो भाई मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जेब से दिए हैं पैसे, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड के पैसे मैंने ही दिए हैं,
समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो भाई ये मैंने आप लोगों तक जेन्युइन प्राइस किया। अगर जो कोई आपको कोई काम करवाता है, एग्जांपल आप इंडिया से किसी से करवाते हो, तो भाई वो थोड़ा बहुत अपना भी चार्जेस लेगा, बनता है उसका भी इतना, ठीक है ना। लेकिन 630 दरम मैंने दिए हैं उसको, ठीक है ना, अपनी जेब से, मेरे अपने फ्रेंड के लिए, सही है ना, क्योंकि मैं उसको बुला रहा हूँ दुबई, सब कुछ करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो कब आएगा, वो उसका अभी मतलब मैं वीज़ा भेज दूंगा उसको, तो कब उसका प्लान होगा, लेकिन आएगा वो, मतलब आई थिंक फरवरी फरवरी के लास्ट तक वो आ जाएगा, आई थिंक, मेरे को लगता है, क्योंकि 3 दिन में मैं उसको वीज़ा भेज दूंगा इधर से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर जो आप लोगों को ऑनलाइन अपने घर बैठ के वीज़ा चाहिए, मतलब अपने आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके भी मैं वीडियो बना दूंगा अपने लैपटॉप पे, कि भाई कैसे कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। बाकी मैं आप लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करते, तो 80,000 में 80,000 होने वाले हैं यार, प्लीज़। 80,000 होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा मैं आपको गिफ्ट कब देने वाला हूँ, कैसे देने दूंगा, और आपके लिए मैं सच बताऊँ बहुत अच्छा मैंने रखा हुआ है। जब मेरे 80,000 होंगे उसके बाद में मैं बताऊँगा आप लोगों को कब मैं दूंगा और क्या दूंगा, सही है ना। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने सोचा हुआ आप लोगों के लिए। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते, जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास मतलब पैसे नहीं है, ये नहीं, मतलब बहुत अच्छा मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। 80,000 करवा दो, 80,000 के बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को मैं क्या देने वाला हूँ, कब दूंगा, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दिए। अपने ध्यान के अपने फैमिली के ध्यान, मिलते हैं नेक्स्ट रूम के तक लोग, बहुत बहुत सारी बातें, चलते हैं खाना बनाते हैं रूम।